बिहार के कटिहार में एक पिता को अपने बेटे का शव बोरे में लेकर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। मीडिया में जब यह खबर सुर्खियां बनी तो 2 दिन बाद रविवार को पुलिस प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में 2 पुलिस अधिकारियों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। कटिहार SP विकास कुमार ने 2 अधिकारियों के निलंबित होने की पुष्टि करते हुए बताया कि कुरसैला थाना के ASI नंदलाल चौधरी और गोपालपुर थाना के SI राजदीप रमन को निलंबित किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कटिहार से हमारे संवाददाता सुमन जुड़ चुके हैं। सुमन, इस तरह की खबर सामने आ रही है कि एक पिता ने बच्चे के शव को बोरी में लेकर वो घूमता रहा और पुलिस प्रशासन की नींद इतने दिनों बाद टूटी है, आखिर क्या कुछ वजह रही? और इस पर दो जो थानाध्यक्ष हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए ऋतिक, ये मामला कटिहार से जुड़ा हुआ है और कटिहार और भागलपुर का सीमावर्ती इलाके में गंगा नदी है, जिसमें कि एक युवक जो है 13 वर्ष का वो डूब गया था पानी में। डूबने के बाद जो है वो कटिहार जिला के कुरसेला गंगा नदी से बरामद किया गया और स्थानीय ग्रामीणों ने उसके परिजन को जानकारी दी, क्योंकि ये मामला जो है 3 दिनों से ये सब लापता था और उसके पिता संबंधित कुरसेला थाना और जो अपने जो इलाका है भागलपुर का गोपालपुर वहां के थाना अध्यक्ष को भी जानकारी दिया, लेकिन पुलिस ने इसमें किसी तरह की देरी की क्या वजह, आखिर मामले में देरी की वजह क्या बताई जा रही है कि 2 दिन बाद जाकर प्रशासन की नींद टूटी है? देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। एक पिता जो है अपने पुत्र का जो है सब बोरे में लेकर 3 किलोमीटर पैदल चला और पुलिस को जानकारी रहने के बाद भी जो है पुलिस मदद नहीं की, उसको किसी तरह का एम्बुलेंस या वो जो निजी वाहन नहीं दिया सदर, ताकि सदर अस्पताल पहुंच कर उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। इस मामले को लेकर जो है कुरसेला के जो है ASI और गोपालपुर के ASI पर जो है बिहार सरकार के जो है जो पुलिस के मुखिया हैं उसके द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमन। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। कटिहार के कुरसैला थाना का ये मामला है जहां शव को 3 दिन लेकर बच्चे के शव को पिता अपने कंधे पर लेकर 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी और 2 से 3 दिन बाद जाकर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इस बात की सूचना मिली, लेकिन अब इस पर 2 ASI को जो है निलंबित भी कर दिया गया है।